जो भी चाहिए Z5 ऐप पर पाएं। बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषभ लुथरा बेकसूर है और ये बात मैं आज अदालत में साबित कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे मोनिशा जी को एक बार विटनेस बॉक्स में फिर से बुलाने की इजाजत चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। हाँ तो मोनिशा जी, वो क्या नई बात थी जो आप कोर्ट को बताना चाहती थी, प्लीज बताइए। चाचा, ऋत्विक का मर्डर ऋषभ लुथरा ने मैंने अपने आप से ज्यादा भरोसा आप पर करके करण की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी प्रीता जी, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आप समझदार हैं, आप करण को संभाल सकते हैं, आपको सही गलत का फैसला करना आता। मैं एक बार को प्रीता जी ये मान सकता हूँ कि इन लोगों ने गलती की होगी, इन लोगों को मालूम नहीं चला होगा कि करण क्या करने वाले। लेकिन आई एम सॉरी ऋषभ जी, मुझे एहसास हो गया था कि करण कुछ बहुत ज्यादा गलत करने वाला है, लेकिन लेकिन व्हाट प्रीता जी, लेकिन व्हाट, लेकिन की गुंजाइश कहाँ है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम कल मोनिशा से शादी कर रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम ऐसा नहीं करो, प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा तो तब होता है जब किसी को किसी से संभाल के I'm sure, ये वाला दर्द उस दर्द से कम होगा जो तुम्हारे दिल में हो रहा है। नहीं। क्या नहीं? मुझे ये शादी नहीं करनी। संभाल के I'm sure, ये वाला दर्द उस दर्द से कम होगा जो तुम्हारे दिल में हो रहा है। नहीं। क्या नहीं? मुझे ये शादी नहीं करनी। जनरली ना हम किसी के आइडियाज को भी इग्नोर नहीं करते हैं, बट ये वाकई वाहियात आइडिया, एंड आई एम श्योर इट्स नॉट गोना वर्क। क्या वर्क नहीं करे? पूरी फैमिली एक साथ क्या खुसर खुसर कर रही है? इतने सारे तामझाम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट शादी होने वाली है, और आप सब लोग मिलकर शादी रोकने की प्लानिंग कर। What? Hey, sis, क्या हुआ? नहीं, अपसेट क्यों लग रही हो? आई थिंक जो तुम्हारे होने वाले जीजू है ना, उनसे गिरे हुए लोग बहुत डाउन मार्केट है। आई एम श्योर ये जो डेकोरेशन है ना, ये डेकोरेशन भी इस डाउन मार्केट सिस्ट्री ने किए होंगे। हाउ चीप। मोनिशा बाय, ये सब जो भी बोल रही हूँ मुझे बोलो ना, इन सबको बोल के क्या फायदा? तो आप समझ लीजिए कि मैंने आप ही से कहा, माय जान माय जानू, खुद ही देखो ना ये डेकोरेशन कितनी डाउन मार्केट लगी, ये कलर कॉम्बिनेशन भी कितना खराब है। एटलीस्ट ऑर्किड के फ्लावर यूज कर लेते, लुथरास के घर में शादी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कॉल मी जान, ओके? जान ना कहूं, जानू ना कहूं, तो क्या कहूं? करेक्ट। एक्चुअली मेरे मॉम डैड ने ना मुझे एक नाम दिया है, करण। वो दुनिया मुझे दी करण लुथरा बुलाते हैं, तो यू कैन यूज दैट। आई थिंक ये जो रूल करने वाले हैं आपके ऊपर। हाँ, एटीट्यूड से तो यही लग रहा है। ओह गॉड, इसका मतलब बी की रोज क्लास लगने वाली है। मुझे भी कुछ। लिसन, तुम्हें मुझे जिस नाम से बुलाना है तुम बुला सकते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें जानू ही कहूँ, और इस बात में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। कम टू द पॉइंट, ये जो डेकोरेशन है ना, ये एकदम डाउन मार्केट है। मुझे तो डर है कहीं मंडप की डेकोरेशन भी इतनी डाउन मार्केट ना हो। हुआ ही होगा, क्योंकि डेकोर करने वाली खुद भी तो डाउन मार्केट है। वो सृष्टि किसने कहा? किसने कहा मतलब,
जब से तुम्हें जानती हो इस घर की सारी डेकोरेशन हुई तो करती है। करती है, लेकिन अब की बार नहीं की उसने। पता उसने क्या कहा? मैं किसी चुहिया की शादी की डेकोरेशन कर दूं, लेकिन मोनिशा की शादी की डेकोरेशन नहीं करूंगी। Yes, yeah. And by the way, let me remind you, I am the Karan Luthra. मेरे घर में छोटी सी भी पार्टी होती है ना, तो शहर के बड़े बड़े डेकोरेटर आकर डेकोरेशन करते हैं। Do you understand that? Listen, तुम उससे जिस तरह से बात करते हो ना, I don't like it. Oh, really? और जिस तरीके से तुम मेरे फ्रेंड्स के बारे में बात करती हो ना, even I don't like it. Yes, मोनिशा, just remember one thing. तुम्हारी मेरी डील ना शादी की हुई है, एक दूसरे के लिए बिहेवियर कैसा रहेगा उसको लेकर नहीं। तो शादी तो मैं तुमसे कर रहा हूँ, just don't try to change my world. मेरी दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, कहता है? Okay, fine. शादी के बाद तो मैं तुम्हारी दुनिया वैसे ही बदल दूँ, और मुझे कोई backwards करता ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और शादी के बाद तुम करोगे वही जो मैं तुमसे कहूँगी, क्योंकि मुझे बादशाह ने चोरू का गुलाम चाहिए। वो क्या कहते हैं, हैंड बैग हर्ज पैन, got it? अब हर सवाल का जवाब मेरा करण देगा। हाँ? चलो बोलो, सबको सच बता दो। मुझसे सच की बात करिए तुम। देखो करण, आज सबको सच सच बता दो, वरना। अरे क्या बता दूं सबको, क्या हम दोनों के बीच बेबी है, हम दोनों का बेबी। क्या इन दोनों का सच सामने आ जाएगा? क्या शान अस्मिता को सबके सामने उसकी पत्नी स्वीकार कर लेगा? साहिल, ये देख क्या है? डिवोर्स पेपर्स। मुझे नहीं लगता कि वेदिका जी खुद इतना बड़ा कदम उठा सकती है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है साहिल, अभी उनसे बात करो। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए कि गुड्डन के सामने है रावत की दी हुई चुनौती अक्षत को बचाने की। एक तरफ रावत को है पूरा यकीन अक्षत के गुनाह पर, और दूसरी तरफ गुड्डन को है भरोसा अक्षत की बेगुनाही पर। उस हादसे से जुड़ा मिला सबूत किसको सच्चा साबित करेगा, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। एग्जाम देने के लिए आ जाएंगे, आपकी आपकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, आप बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। घर वाले सब अपने कमरों में सो रहे हैं, हम जल्दी से बस आमिर के लिए खाना बना दें। कल सुबह के उजाले में ये बात हम सबके सामने ला देंगे। तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें पसंद करता है। आप बेवजह जेलस हो रहे। मैं और मिस्टर सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट उन्हें तो मेरी बातें अनोइंग लगती हैं, इरिटेटिंग लगती हैं। अनोइंग और इरिटेटिंग तो मुझे भी लगती हैं, फिर वही बातें मुझे अच्छी लगने लगी, वही सारी बातों से मुझे प्यार भी हो गया। ऐसा ना हो कि किंग को भी तुमसे। ऐसा कुछ नहीं, मैं और मिस्टर सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आप दो दोस्तों के बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर कल्याणी ने इस व्रत को पूरा कर लिया ना, तो वो कुछ भी करके मल्हार को जेल जाने से रोक लेगी। तिल का उपटन अपने पूरे शरीर पर लगाना है, और फिर थोड़ी देर बाद तिल के ही पानी से तुम्हें स्नान करना है। बस एक बार कल्याणी इसे अपने शरीर में लगा ले तो उसकी मोटी चमड़ी जल के काली हो जाएगी।
गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि गुड्डन के सामने है रावत की दी हुई चुनौती अक्षत को बचाने की। एक तरफ रावत को है पूरा यकीन अक्षत के गुनाह पर और दूसरी तरफ गुड्डन को है भरोसा अक्षत की बेगुनाही पर। उस हादसे से जुड़ा मिला सबूत किसको सच्चा साबित करेगा, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा।